हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और देखिए दोस्तों, हमारा चल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया, बोटनी के अंदर हमारा चल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया जो टॉपिक चल रहा था, तो उसके अंदर उस टॉपिक के अंदर हमने क्लियर कर लिया था माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिक जानकारी और उसकी परासंरचना, और उसकी संरचना के अंदर हमने क्लियर कर लिया था उसके माइटोकॉन्ड्रियल झिल्लियाँ और माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है उसके बारे में हमने देख लिया था। तो देखिए दोस्तों, आज हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर से रासायनिक संगठन होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो रासायनिक संगठन है तो उसके बारे में मैं आपको यदि बोर्ड पे लिखवाता हूँ तो काफ़ी टाइम लगता है, तो पहले मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का जो संगठन है उसे आप स्क्रीन पर से लिख लेंगे और फिर बाद में मैं उसको थोड़ा समझा दूंगा आपको। वैसे तो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, आपके 12th क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर काफ़ी पढ़ा हुआ है तो वहाँ से आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो देखिए, पहली बात तो आप इसको वहां से उतार लीजिए, स्क्रीन पर लगा रखा है, इसको पूरे को आप उतार लीजिए, मैं आपके लगा दिया। तो अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो रासायनिक संगठन है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन है तो इसके अंदर देखिए पहली बात आप देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन पादप एवं जंतु कोशिका में भिन्न भिन्न होता है। तो इतना तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका जो रासायनिक संगठन होता है अर्थात आंतरिक जो रासायनिक संगठन होता है वो पादप सेल्स, किसके सेल्स, पादप सेल्स और अर्थात पादप कोशिका एवं जो जंतु कोशिका होती है उनके अंदर भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आज थोड़ी व्यवस्था कम है मेरे पास, आपको स्क्रीन पर साफ नहीं दिख रहा होगा, परंतु मैं जो स्क्रीन पर आपके लगा रहा हूँ वो आपको साफ दिख रहा है और आप ध्यान से इसे समझिए क्योंकि आज थोड़ा वैसे सिस्टम नहीं है। तो देखिए अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि इन दोनों का जो रासायनिक संगठन है जो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है, क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए अब आगे देखिए, आगे क्या है कि इन इसका प्लाज्मा झिल्ली के समान रासायनिक संगठन होता है जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देखिए मेरे दोस्तों, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली, क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली के समान रासायनिक संगठन होता है। कैसा होता है, प्लाज्मा झिल्ली के समान इसका क्या होता है, रासायनिक संगठन होता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इसका रासायनिक संगठन पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के अंदर अलग अलग पाया जाता है। और दूसरी बात, जो इसका रासायनिक संगठन होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के समान होता है, यही लिख रखा है, प्लाज्मा झिल्ली के समान इसका रासायनिक संगठन होता है। तो आगे क्या है दोस्तों, आगे आपके समझने वाली बात इसके अंदर क्या है, आगे दे रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन 65%, देखिए इसके अंदर प्रोटीन क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन कितना पाया जाता है, पहले तो ये देखिए इसके अंदर प्रोटीन 65% पाया जाता है, कितना 65% प्रोटीन पाया जाता है। और ग्लिसराइड जो होता है, देखिए ग्लिसराइड जो होता है, ग्लिसराइड जो होता है, देखिए ग्लिसराइड तो ये जो होता है आपके कितना पाया जाता है, इसके अंदर ग्लिसराइड पाया जाता है आपके यहाँ पर 29% पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 29% पाया जाता है। और आगे देखिए इसके अंदर जो फास्फोलिपिड्स होता है, क्या होता है, फास्फोलिपिड्स, हम रासायनिक संगठन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर फास्फोलिपिड्स जो होता है, फास्फोलिपिड्स जो होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो फास्फोलिपिड्स के बारे में देखेंगे, ये कितना पाया जाता है, तो ये कितना परसेंट इसके अंदर पाया जाएगा, ये पाया जाएगा हमारे यहाँ पर 4%। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा देखिए, कोलेस्ट्रॉल यदि हमारे रक्त में भी अधिक हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यहाँ पर 2% ही इसके अंदर पाई जाती है। तो देखिए पहले आपसे समझिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहली बात आपने क्या समझी कि जो इसका रासायनिक संगठन है उसके अंदर मुख्यतः स्रोत, रासायनिक संगठन के अंदर मुख्यतः स्रोत कितने होते हैं, तो इसके अंदर देखिए प्रोटीन होता है, ग्लिसराइड होता है, फास्फोलिपिड्स होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। प्रोटीन 65%, ग्लिसराइड 29% और फास्फोलिपिड्स ये 4% और कोलेस्ट्रॉल 2% होता है, आपने स्क्रीन पे से लिख लिया होगा। तो इसके अंदर देखिए ये जो रासायनिक संगठन होता है उसमें मुख्यतः ये पाए जाते हैं आपके, अब इनको एक एक को आप देखिए, प्रोटीन इनको एक एक को आप यहाँ पर देखिएगा, प्रोटीन लिपिड्स एंड एंजाइम, प्रोटीन लिपिड्स एंड एंजाइम जो है,
तो ये भी क्या है, ये रासायनिक संगठन के अंदर आते हैं, तो इनको मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, वहां से आप इनको लिख लीजिए, फिर बाद में आपको मैं इनके बारे में बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपने प्रोटीन, पहले मैं प्रोटीन को स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप यहाँ से लिख लीजिए। प्रोटीन को लगाने के बाद में आप प्रोटीन को लगाने के बाद में इसको देख लीजिए। तो इसको देखने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यदि आपको जो मैं पढ़ाता हूँ वो अच्छा लगता है, देखिए जो अच्छा लगता है, या फिर कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको सुधार करूँगा। क्या सुन रहे हो आप, मैं उनको सुधार करूँगा। तो और लाइक जरूर करें क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। और अब देखिए प्रोटीन्स, और आज थोड़ी क्या है व्यवस्था नहीं है अपने पास, तो इसलिए थोड़ा आपको दिख वैसा नहीं रहेगा, कल से आपको अच्छा मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब प्रोटीन्स के बारे में लिखने के बाद में आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में 30% संरचनात्मक प्रोटीन व 70% प्रोटीन्स एंजाइम रूप में पाया जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसके अंदर समझाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मेरे को पूरी उम्मीद है आप इसको खूब अच्छी तरह से जो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ आप लिख लीजिए, और आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, 12th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। तो देखिए पहले प्रोटीन्स को लिख लीजिए आप, और आप लिखिए मैं लगा रहा हूँ लिपिड्स, सेकेंड नंबर लिपिड्स लगाकर उसको लिख लीजिए, और तीसरा लगा रहा हूँ एंजाइम, इनको लगाकर आप लिख लीजिए। इनको लिखने के बाद में दोस्तों आज मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा। देखिए आज मैं बार बार बोल रहा हूँ, व्यवस्था नहीं है उतनी, ये तो आपके लिए लगाया है, क्योंकि आपको क्लास नहीं मिलेगी 7 बजे, तो आप फिर कमेंट करोगे कि क्लास नहीं मिल रही, क्लास नहीं मिल रही, तो आज इतना ही। और रही बात जियोलॉजी की, जियोलॉजी जो है उसका मैं आपको सिलेबस जल्द ही बता दूंगा, कल सुबह ही बता दूंगा, 12 बजे सुबह ही बता दूंगा कल, और शाम को वही क्लास आएगी। अब 7 बजे जो अपनी क्लास आ गई है, फिर 8 बजे मनीष सर की जूलॉजी की क्लास आ जाएगी, और केमिस्ट्री जो है उसकी मैं थोड़े दिनों में स्टार्ट करने वाला हूँ, आप बेझिझक रहिए। और मैथ की और फिजिक्स की मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, इसके बारे में व्यवस्था कर रहे हैं हम, यदि हमारे पास व्यवस्था मिल जाती है तो आपको करवा देंगे। जूलॉजी की आपको रेगुलर क्लास मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें, तभी हम आपको अच्छा कंटेंट दे सकेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम।